शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में शाही ईदगाह परिसर की सीढ़ियों के पास में मौजूद कृष्ण कूप की पूजा अर्चना की गई। प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं ने पूजा अर्चना की और इस कूप पर कटरा केशवदेव मोहल्ले की महिलाओं को ही बसोड़ा पूजन करने का अधिकार है और ये पूजा पहले से ही होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों ने पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद में प्रशासन अलर्ट हो गया। इतना ही नहीं, पूजा करने जा रहे हिंदू संगठन के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल इस कूप पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की ओर से दावा किया गया है कि ये कृष्ण कूप द्वापर कालीन है और इसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब महिलाएं पहुंची थी पूजा अर्चना करने के लिए। हालांकि ऐसे में ऐलान किया गया था पूजा तो पहले से ही होती आ रही है, तो प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए और साथ ही पूजा का अधिकार मांगने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। तो तस्वीरों को आप देख सकते हैं, यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और पूजा अर्चना की। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन गौतम जुड़ गए हैं मथुरा से, संवाददाता नितिन, तस्वीरें हम वो एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं जहां पर महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज अहम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जो सुनवाई बेहद अहम है, तो किस तरह की अपडेट? ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो शाही ईदगाह का परिसर है, सबसे पहले मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो हमारे ठीक पीछे जो दिखाई दे रही है वो शाही ईदगाह है, और शाही ईदगाह को जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है तैनात है। यहाँ पे जो साथ में एलआईओ के जो कर्मी हैं वो तैनात हैं, पुलिस मौजूद है, और केवल इस बात के लिए तैनात है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसके चलते माहौल खराब हो। साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कृष्ण कूप है, शाही ईदगाह के जो परिसर में कृष्ण कूप मौजूद है, उसका पूजन हर साल जो स्थानीय महिलाएं, इस गली की जो स्थानीय महिलाएं, उनके द्वारा किया जाता है, परंपरागत रूप में किया जाता है। आज भी प्रशासन ने उन स्थानीय महिलाओं को कृष्ण कूप का पूजन कराया है, जो कि हर साल पूजन करते हुए आती हैं। लेकिन जो सनातनीय हिंदूवादी नेता हैं, उनके द्वारा लगातार इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि 1 तारीख को बासोड़ा पूजन के दिन वो यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे और जो कुआ पूजन है उसको लेकर वो पूजन करेंगे, जिसको लेकर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है और आज हाईकोर्ट में 2 बजे इस मामले की सुनवाई है। प्रशासन ने जो परंपरागत कुआ पूजन था, जो तस्वीरों में हम एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो पूजन कर रही हैं, लेकिन प्रशासन ने किसी और व्यक्ति को यहां पर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया है। जो लोग प्रवेश करने का चाहते थे उनको गिरफ्तार किया है, ऐसा बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं जो यहां पहुंचे हुए थे, जगह जगह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। साथ ही कुछ ऐसे नेता हैं, हिंदूवादी नेता, जिनको की नजरबंद किया हुआ है पुलिस ने। जी आप नजर बनाए रखिएगा नितिन, क्योंकि आज सुनवाई भी होनी है पूरे मामले को लेकर। जानकारी साझा